वैसे नहीं लगता मुझे इतना हाइट डिफरेंस तुम्हारे साथ हाँ बाकी बिल्कुल नहीं है है ना देखो ना बराबरी तो है कितना है ना दूर इतना सा भी अंतर है इतना ही इतना सा अंतर है कितना अंतर है कुछ भी नहीं अंतर है देखो तो तो ऐसा तो कर रही है तो मेरी कोई गुंडी गुंडी कर रही है

क्या तो, तो है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और कैसे हैं आप लोग और यहाँ पे रंगोली हर ओकेजन्स पे बनाई जाती है तो आज मुझे पता नहीं इनका क्या ओकेजन है पर इन्होंने बनाई थी रंगोली आज यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ये समर सीजन चल रहा है बट नहीं ये मतलब फेवररी है और यहाँ पे फेबरी ऐसी है यहाँ पे वेदर बहुत ड्राई है तो जो लोग भी प्लीज़ हैदराबाद के हो मुझे सजेस्ट करो कि यहाँ पे इस मौसम में कहाँ जाया जा सकता है क्योंकि मुझे क्या है कि धूप में लगता है कि मतलब ठीक है जहाँ पर शेड हो वहाँ पर जाओ तो मतलब पिकनिक स्पॉट या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत खुले में ही हैं तो हर जगह धूप का सामना करना ही पड़ता है तो बस मैं थोड़ा धूप अवॉइड करती हूँ और क्योंकि मुझे प्रॉब्लम भी है तो आप लोग समझ सकते हो जिसको कि बर्न है या पिगमेंटेशन है तो उनको लिए धूप डॉक्टर सबसे पहले मना करते हैं कि आप धूप में मत निकला करिए तो खराब भी लगता है ना कि चेहरे पे वो स्पॉट्स आ जाते हैं देखो तो उसको अवॉइड तो कर ही सकते हैं ऑलरेडी यहाँ आने पर काफ़ी आ गए मेरे ये सब चीज़ें और और मेरा इला मतलब डॉक्टर के साथ वो भी चल रहा है कंसल्टेशन भी चल रहा है इस चीज़ के बाद यहाँ पे भी लोग अब घड़े का पानी पीने लगे हैं तो घड़े बिकने लगे हैं यहाँ पे और ये गमलों की शॉप है तो यहाँ पे काफ़ी मतलब वैरायटी ऑफ गमले मिलते हैं मैं भी यहीं से ले गई थी तो हर एक रेट में है सिरेमिक के मतलब आपके हंड्रेड से स्टार्टिंग है और अप टू तो कोई एंड ही नहीं है और ये छोटे छोटी सी बॉटल्स हैं अच्छा आप लोगों ने घड़े का पानी पिया होगा तो उसमें जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है तो मैं इस बार सोच रही थी अभी देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें आने लगी हैं जग भी आने लगे हैं और मतलब यहाँ सब कुछ खैर मिलने लगा है और जब धीरे धीरे निकलने लगी हो तो चीज़ें समझ में भी आने लगी हैं कि अच्छा यहाँ पे ये मिलता है यहाँ पे ये मिलता है जो तुलसी के पौधों के लिए गमले होते हैं वो यहाँ पे वाइट वाइट मिलते हैं हमारे उधर थोड़े कलरफुल मिलते थे यहाँ पे हर तरह के मिलते हैं तो बस <coughs> अच्छा मैं इतना मतलब वॉइस ओवर क्यों करती हूँ क्योंकि ए, मुझे ना पुराने गाने राज कपूर हिट्स मुकेश हिट्स ये सब गाने सुनने बड़े पसंद आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी गाड़ी में वो गाने चलते रहते हैं और आ, बस इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है हालांकि हम लोग में बातें खूब होती हैं बट वही है पीछे से गाने की आवाज़ आती है तो वो भी ठीक बात नहीं है आप लोग अच्छा एक चीज़ ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करना इस चीज़ के लिए और मैं मुझे नीड है इस चीज़ की कि जब आपका सिटी चेंज होता है जब आपकी जगह चेंज होती है तो आपको आप अपने आप को माइंड कैसे करते हो आप अपने आप को खुश कैसे रखते हो है ना क्योंकि ऐसा नहीं है मैं दुखी नहीं हूँ बट हाँ टाइम लग रहा है समझने में एक्सेप्ट करने में क्योंकि आठ साल बहुत लंबा टाइम होता है Uh, मतलब कहीं पे भी रहो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं इवन वहाँ पे क्या था चंडीगढ़ में आपके दोस्त हो ना हो आप किसी से भी अगर बात कर लेते थे ना तो एक जान पहचान हो जाती थी कि हाँ मतलब इजीली आप बोल सकते थे कि हाँ अंकल जैसे शॉप पे ही हम लोग गए तो हाँ अंकल ये चीज़ कहाँ मिलेगी तो बड़ी ईजिली हाँ बेटा यहाँ से इधर चले जाओ मिल जाएगा है ना तो वो एक अपनापन लगता था जो कि थोड़ा सा लैक लग रहा है कि एक तो लैंग्वेज इशू है क्योंकि जो यहाँ के ओरिजिनल्स हैं मतलब रीजनल बोले या जो शॉपकीपर्स कीपर्स है इन लोग का लैंग्वेज इशू है जैसे अभी हमारे यहाँ एक कॉकरोच किल करने के लिए आया था बंदा मतलब क्या बोलेंगे पेस्ट कंट्रोल वाला है ना तो मैं उसको समझा कुछ रही थी और वो समझ कुछ रहा था तो वही है कि उसने बोला कि मैम इल्ला इल्ला लैंग्वेज नहीं आता मेरे को आपका है ना बस यस नो यस नो इतना ही आता है तो ये चीज़ें भी थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि आप ठीक है अब मैंने <laughs> मैं कोशिश करूँगी मैं खुश रहूँगी और बस इसी में मेरी भी अच्छाई है क्योंकि अगर आप दुखी रहते हो तो वही है ना कि आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो आपका मन का एक सेटअप होता है कि अगर आप मन से मान लो कि आप खुश हो तो आप खुश हो मन से मान लो अगर दुखी हो तो दुखी हो कोई आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के लोग ऐसे हैं बट ठीक है मेरा मेरा माइंड सेट ऐसा हो रहा है कि चंडीगढ़ ज़्यादा अच्छा था तो अब मैं धीरे 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 एक रियलाइजेशन ला रही हूँ कि नहीं ये भी जगह बहुत अच्छी है और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ तो यहाँ आपके सामने ही है मैं वहाँ इतने फ्रिक्वेंट ब्लॉग्स बनाती थी इतना अच्छा लग रहा था मतलब एक दिन में ही मेरा एक ब्लॉग बन जाता था यहाँ पे बड़ा सोचना पड़ता है मन नहीं लगता है ना लेकिन अब ठीक है मैं कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग्स बनाने की और अपने आप को खुश रखने की क्योंकि पता है क्या मैं एक स्ट्रेस में आने के बाद मेरे हेल्थ इश्यूज भी बहुत आ गए तो उस आ, क्या होता है कि जब आपका हेल्थ इशू आ जाता है ना तो आपको हर चीज़ समझनी पड़ती है कि नहीं इससे बढ़कर कुछ नहीं है अगर आपकी हेल्थ पे चीजें आ जाती हैं तो मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो बस वही चीजें हैं अपने आप को खुद समझाना पड़ेगा कि हाँ ये जगह अच्छी है और अच्छा यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे मतलब ग्रीनरी एक्सट्रीम लेवल की है क्योंकि कोई बोलता था आ, किसी ने मेरे को बोला था कि यहाँ पे 10 साल पहले 51 डिग्री तक टेम्परेचर होता था तो यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा किया गया और क्यों मतलब प्लांटेशन से क्या होता है कि थोड़ा सा ना आपका एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा कंट्रोल में आता है मतलब थोड़ा गर्मी और ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो यहाँ पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा किया गया तो आपको कई जगह पे ग्रीनरी दिखेगी और हम लोग यहाँ पे क्या है हम जा रहे थे डी मार्ट डी मार्ट यहाँ पे बहुत गलियों में अंदर अंदर जाके होता है तो हमने क्या किया था कि हमने नेविगेशन में सेट किया था तो हम पहले तो हम कहीं और पहुंच गए थे तो ये जो डीमार्ट था जहां हम पहुंचे थे ये था ऑनलाइन जिन्होंने ऑनलाइन सामान मंगाया था तो वो उनका यहाँ पे काउंटर था वो यहाँ से सामान अपना कलेक्ट कर सकते थे या ये यहाँ से डिलीवरी करते थे तो हमने मंगाया, मतलब जो नेविगेशन में लगाया था वो प्रॉपर डी मार्ट लगाया था जो बड़ा सा शॉपिंग मॉल मतलब शॉपिंग हॉल टाइप का होता है जैसे बिग बाजार था तो डी मार्ट में क्या है मैट क्यों डी मार्ट ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि डी मार्ट में क्या है चीज़ें आप रीज़नेबल रेट्स में है और हर चीज हर तरह की मिल जाती है इसलिए तो फ्रेंड्स अभी हम गए थे डी मार्ट में जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे डी मार्टी रेडी डिफरेंट थिंग ऑनलाइन इन्होंने बोला कि जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं ना तो उनके लिए वो यहाँ से आके सामान अपना पिकअप कर लेते हैं ठीक है और बहुत मतलब हम भी खरीद सकते हैं पर इनके पास ज्यादा सामान नहीं था क्वान्टिटी नहीं थी। हाँ तो ये भी देख लेना ऑनलाइन वाला ना हो है ना नेविगेशन ने में गया थो गया थो गया। वो पास में ही है यहाँ पे कोई भी चीज ना बारह पंद्रह किलोमीटर से कुछ है ही नहीं तो सडनली ना हम लोग डी मार्ट जा रहे तो यहाँ पे एक बड़ी सी सब्ज़ी मंडी मिली तो यहाँ पे हर तरह की सब्जी थी और ये लोग क्या करते हैं इनका मंडी का कोई जगह नहीं होती है स्पेसिफिक रोड पे ही सारी चीज़ें लग जाती हैं और देखो कितना नैरो रास्ता है डी मार्ट जाने का फाइनली हम डी मार्ट पहुँच गए और हल और आते आते इतनी शाम हो गई थी तो बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय